तो मेरा दावा है कि आपने ऐसी चाट कभी नहीं खाई होगी, इतनी मज़ेदार, इतनी यमी कि मैं क्या बताऊं। आपने ऐसी चाट कभी भी नहीं खाई होगी, ये चाट दुनिया की नंबर वन चाट है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हर बीमारी से, दुख से, परेशानी से दूर रखे। आमीन आमीन सुम आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ चना चाट, व्हाइट सॉस वाली चना चाट, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी। तो सबसे पहले मैंने एक प्याली जो है चना ली है, सफ़ेद चने लेने हैं। उसके बाद एक चम्मच इसमें मैं नमक का ऐड करूँगी, और एक चम्मच ये जो है धनिया पाउडर है, और एक चम्मच काली मिर्च, और एक चम्मच ये लाल मिर्च कुटी हुई, और एक चम्मच जीरा पाउडर। ये सारे मसाले ऐड करके अब जो है इसमें चॉप किए हुए जो हैं डालूंगी टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरे धनिया और हरा जो है पुदीना है। तो ये सब इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो मिनटों में बनने वाली हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं और इतनी मज़े की होती हैं, टेस्टी होती हैं। आप एक बार जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जो है इसको मैं इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी, सारा ये जो भी है ये सब मिक्स कर दूंगी। इसके बाद जो है मैंने दही ली है, ये आधा प्याली दही है, उसको मैं इस तरीके से फेंट लूंगी, और इसके में जैसे कि कोई भी लम्स वगैरह कुछ भी ना रहे, इतना इसको जो है स्मूथ बना दूंगी। उसके बाद इसमें पानी ऐड करूंगी, तो पानी ऐड करके इसका जो है लिक्विड सा एक पतला सा जो है पेस्ट बना लेंगे, जैसे हम लस्सी बनाते हैं इस तरीके से इसका जो है लिक्विड सा ऐसे लस्सी, जैसे लस्सी होती है थोड़ा पतला ऐसे बना देंगे इसका पेस्ट। तो उसके बाद जो है मैं जो है फ्राई पैन में जो है एक जो है एक चम्मच जितना घी डाल रही हूँ, आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, ये घी है मेरे पास तो मैंने घी ऐड किया है। तो थोड़ा सा और भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि जो है अच्छा सा इसमें फ्लेवर, खुशबू इसकी बहुत ही मज़े की आती है, तो इसमें थोड़ा सा और भी मैंने ऐड किया है। तो अगर आपके पास मक्खन या घी अवेलेबल नहीं है तो आप जो है तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें को जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद जब ये गर्म हो जाएगा तो हमें इसमें ऐड करूँगी, ये मेरे पास जो है मैदे का आटा है, ऑल पर्पज फ्लोर, ये मैदे का आटा मैं इसमें ऐड करूँगी और मिक्स करती जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। ये जो है आधा कप से भी कम है, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ, और इसका जो है इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी जब तक इसमें जो है इसका कलर भी चेंज हो जाए और अच्छी सी इसमें जो है खुशबू आने लगे, तब तक इसको जो है भूनना है। तो इसको अच्छी तरीके से भून लिया है, इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें ये दही डालूँगी, तो इसमें थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करने जाना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो है इसमें लम्स ना बने। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके ऐड करना है, और जो है आप अगर थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये दही थी तो इसको मैंने पतला बनाया था, फिर भी ये गाढ़ी थी, ज़्यादा गाढ़ी थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड किया है ताकि ये जो है पेस्ट अच्छा बने, लम्स ना बने इसमें, अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो लम्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से विस्कर से भी जो है आप जो है इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से फेंक लें। तो अब थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड करूंगी, तो थोड़ा सा इसमें ऐड किया मैंने पानी। उसके बाद मसाले भी इसमें ऐड करने हैं, तो मसाले भी ऐड करूंगी। तो ये बहुत ही मज़े की बनती हैं और टेस्टी बनती हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो इसमें मैंने नमक ऐड किया है अभी, और थोड़ा सा ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ ताकि स्पाइसी लगे, और उसके बाद एक चम्मच काली मिर्च भी ऐड की है, तो ये भी जो है आधा चम्मच है, एक चम्मच नहीं है, ये आधा चम्मच है, मेरा चम्मच जो है ये छोटा है,
तो इसकी जो है क्वांटिटी आधी चम्मच जितनी होगी, इसलिए मैं एक चम्मच बोल रही हूँ। ये आधा चम्मच की जो है मेरी स्पून है छोटी है। तो ये चिकन पाउडर है मेरे पास, तो ये भी इसमें थोड़ा सा ऐड करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कि आप जो है कितना जो है इसका टेस्ट इसमें जो है चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डालिएगा। मैंने जो है दो छोटे जो है चम्मच डाले, तो एक चम्मच हुआ, तो एक चम्मच ऐड किया है। तो ये अब जो है हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। अब जो है इसको ठंडा कर लें या ऐसे ही आप जो है इसमें डालिए। मेरे जो है चने जो थे बॉईल किए हुए थे, तो फ्रीज़र में पड़े हुए थे, तो ठंडे हैं वैसे ही, तो इसमें मैं ऐसे ही ये डाल रही हूँ। तो ये हमारी देखिए कितनी मज़े की सॉस रेडी हो चुकी है। इतनी टेस्टी, इतनी यमी होती हैं। और चने में जब ये इसको जो है छोले छोला चाट में जो है मिक्स कर, फिर तो बहुत ही मज़ेदार बन जाएगी। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही जो है ठंडा करके फिर भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैं ऐसे ही इसमें जो है डाल रही हूँ। तो ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है, इतनी मज़ेदार थी खाने में, तो बहुत ही टेस्टी यमी है। तो कैसे लगी मेरी आपको ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।